नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो है भाषा। भाषा को लेकर के विविध परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर ये हमारे पाठ्यक्रमों में है। तो आज हम भाषा के विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि भाषा क्या है। और तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भाषा है, जो भाषा शब्द है, ये भास धातु से बना है। और संस्कृत में पाणिनि ने ये कहा है कि जो वर्णों द्वारा जब वाणी का वाणी व्यक्त की जाती है, यानी कि वर्णों द्वारा जब वाणी व्यक्त की जाती है तो उसे भाषा कहा जाता है। तो जो भाषा है, भाषा को हम आप सब बोलते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, भाषा है। आप जो बोल रहे हो वो क्या है, भाषा है। हम सब भाषा के माध्यम से वार्तालाप करते हैं, भाषा के माध्यम से एक दूसरे के भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा जो है संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से अब हम अपने सुख दुख दर्द हंसी खुशी विचार सब दूसरों को प्रदान करते हैं और दूसरों के दुख दर्द उनकी विचारधारा उनके विचार उनकी भावनाओं को हम समझ पाते हैं। तो भाषा जो है भाव और विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो जो मूल रूप से जो भाषा है, इस भाषा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाषा जो है वो मूक भाषा है और दूसरी क्या है, मुख्य भाषा। यानी कि भाषा के दो भाग हैं, एक है मूक भाषा और दूसरी है मुख्य भाषा। अब जो मूक भाषा है, मूक का अर्थ है जो बोले जाने वाली भाषा नहीं है, जिसमें वाणी नहीं है। तो इस मूक भाषा के अंतर्गत भी दो भाग किए गए हैं। एक भाग के अंतर्गत क्या है, इंगित भाषा है और दूसरे के अंतर्गत आती है संकेत भाषा। तो जो इंगित भाषा है, इंगित का मतलब है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इशारे की भाषा जो होती है। यानी कि जैसे आंखों से इशारा करना, हाथ हिलाना, आंखें मटकाना, गर्दन हिलाना, तो ये क्या है, ये इशारे के माध्यम से व्यक्त होने वाले भाव होते हैं। तो इन इशारों के माध्यम से व्यक्ति अपने क्रोध घृणा ईर्ष्या द्वेष सहमति असहमति को इन इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इसे मूक भाषा कहा जाता है और आज भी हम इस मूक भाषा का लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं। दूसरी है संकेत भाषा। संकेत भाषा के अंतर्गत स्पष्ट संकेत दिया जाता है, हमें सांकेतिक रूप से पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और उस संकेत के आधार पर हम कार्य भी करते हैं। जैसे यदि शिक्षक का मेज पर हाथ पटकना, तो उससे क्या संकेत हमें मिलता है कि जो शिक्षक है वो किसी कारणवश जो है छात्राओं से नाराज है या फिर उनसे गुस्सा है। और अगर एक छात्र जो है, एक विद्यार्थी क्लास में अगर मुंह पे उंगली रख करके अपने दोस्त को चुप कराने की कोशिश करता है, तो वहां पे क्या संकेत जाता है, चुप रहने का संकेत जाता है। ऐसे ही जो रेल या बस इत्यादि गाड़ी इत्यादियों के आगे जो हरी और लाल कलर की जो लाइट लगी होती है, इन लाइटों से भी रुकने या फिर जाने का संकेत दिया जाता है। आप सभी ने देखा होगा, जब आप स्कूल बाजार या कहीं जा रहे होते हो तो किसी भी स्कूल के आगे एक बच्चा होता है जिसने एक बैग टांग रखा होता है और वो चलने वाली मुद्रा में उसे बनाया जाता है और आगे लिखा जाता है स्कूल अहेड, तो उसका क्या संकेत है कि आगे स्कूल है। तो ये संकेतों की भाषा भी आज हम लगातार हमारे समाज में प्रचलित है। तो ये तो क्या हो गया, मूक भाषा के अंतर्गत तो उसके दो भाग हो गए। अब जो दूसरी भाषा आती है वो भाषा है मुखर। तो भाषा का जो मुखर रूप है, यानी कि जो भाषा मुखरित होती है, जो बोली जाती है, जो उच्चारित होती है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं, मुखर भाषा कहते हैं। मुखर भाषा को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है व्यक्त वाक और दूसरा है अव्यक्त वाक।
व्यक्त का मतलब जो स्पष्टतया जो व्यक्त हो रही है, जिस भाषा को आसानी से समझा जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, व्यक्त वाक कहा जाता है। तो जो मनुष्य की भाषा है वो व्यक्त वाक के अंतर्गत आती है, क्योंकि मनुष्य की भाषा को हम स्पष्टतया समझ सकते हैं, उसे हम कोशिश करके समझ सकते हैं। यानी कि अगर हमें वो भाषा नहीं भी आती है तो हम पढ़ करके ट्रांसलेट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। तो वो क्या आती है, व्यक्त भाषा के अंतर्गत आती है। और अव्यक्त भाषा के अंतर्गत जो होती है मानवेतर भाषाएं आती है, यानी कि जो मानव से इतर, जो पशु पक्षी है, जो जानवर है, जो अन्य जो जानवर है, उन सब की भाषा जो है वो अव्यक्त भाषा के अंतर्गत आती है। तो अव्यक्त भाषा में स्पष्टता नहीं होती है, इसमें अनिश्चितता होती है, इस भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इसको अव्यक्त भाषा कहा गया है। इसमें वाणी तो होती है, आवाज इसमें होती है, लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो भाषा है, जो मानव की भाषा है, जो मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है, वो केवल भावों और विचारों की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। इस भाषा के माध्यम से मनुष्य चिंतन करता है, मनुष्य विचार करता है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य में सोचने की शक्ति आती है, मनुष्य सोचने विचारने लायक बनता है, वो कल्पना कर पाता है। तो और इसी भाषा से मनुष्य और समाज का निरंतर विकास होता आया है। मनुष्य और समाज ने निरंतर मिल करके, मनुष्य और भाषा ने निरंतर मिल करके नई नई परंपराओं को जन्म दिया है, नए नए चिंतनों को जन्म दिया है, नए नए समाज को जन्म दिया है, नए नए रूपों को जन्म दिया है। और मनुष्य का भाषा के माध्यम से लगातार विकास हुआ है, और यह विकास आगे भी लगातार होता रहेगा। और मानव और जो मानवेतर भाषाएं हैं, इसमें मुख्य अंतर यही है कि जो मानव की भाषा है वो लगातार चिंतनशील रही है, लगातार उसमें परिवर्तन हुआ है और वो हमेशा परिवर्तित रही है। और जो मानवेतर भाषाएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसे पुरानी थी वैसे अब भी है। तो मानव और मानवेतर भाषाओं में यही अंतर है। लेकिन ये दोनों भाषाएं जो होती है भाषा के अंतर्गत तो आती हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है। भाषा विज्ञान की बात हम अगले वीडियोस में करेंगे कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम किस भाषा को लेते हैं। आज हम भाषा को लेकर के जो विद्वानों ने विविध परिभाषाएं दी हैं, भाषा को परिभाषाओं में बांधने का प्रयास किया है, उन पर थोड़ा दृष्टि डालेंगे। तो स्वीट नामक जो विद्वान है वो लिखते हैं कि भाषा वाक प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है। यानी कि जो भाषा है वो जो वाक प्रतीक है, यानी कि चिन्ह जो है, जैसे क ख ग घ अ आ ई ए बी सी डी, तो ये क्या है, भाषा के चिन्ह है। इन वाक प्रतीकों से के माध्यम से जब हम विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। A.H. गार्डनर जो है वो कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उच्चारित ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग भाषा कहते हैं। यानी कि जो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वही ध्वनि प्रतीक का मतलब भी क्या है, अ से अह तक, क से ग तक जो हमारी वर्णमाला है, या फिर जो ABCD है, ये क्या है, ध्वनि प्रतीक है। ध्वनि को उच्चारित करने के प्रतीक इन्हें माना जाता है। तो इनके माध्यम से जब भाषा का प्रयोग होता है तो इसे भाषा कहा जाता है। पंडित कमला प्रसाद गुरु जो है ये कहते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को आप समझ सकता है। यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के भावों विचारों को समझ सकता है। तो इस प्रकार जो भाषा है, भाषा क्या है, हमारे चिंतन की भाषा है, हमारे विचारों और भावों को आदान प्रदान करने की भाषा है। इसके अतिरिक्त भाषा के कुछ अभिलक्षण होते हैं। भाषा की एक लंबी परंपरा रही है, भाषा की विशेषताएं हैं जिसको कि हम अगले वीडियो में जिस पर बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।